याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, भाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के साथ हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उसे देखकर दुनिया भर में बसे हिंदुओं का खून खौल रहा है। बांग्लादेशी मुसलमान जिस तरह से हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ दरिंदगी कर रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं, उनके कत्लेआम कर रहे हैं, उसे देखकर भारत का हर हिंदू परेशान हो चुका है। यही वजह है कि अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को देश ही नहीं दुनिया भर के हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश देना पड़ा और जिसका बड़ा असर भी देखने को मिला। बांग्लादेश में तख्तापलट हुए एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन वहां बसे हिंदुओं के साथ जुल्मों सितम अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि शेख हसीना की सरकार गिराए जाने के एक हफ्ते के बाद भी वहां के हुड़दंगी मौत का तांडव खेल रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे हैं, जिसे देखते हुए अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी खून खौलने लगा है। भरी जनसभा में उनको कहना पड़ा कि जागो हिंदुओं, जागो, अब नहीं उठोगे तो कब उठोगे? आखिर कब दुनिया भर के हिंदू एकजुट होंगे और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे? सुनिए। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, यह हम अवश्य प्रयास करें, क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहाँ उनका वोट बैंक न खिसक जाए। अब जब यूपी के सीएम योगी ने हिंदुओं को जगाने के लिए इतना बड़ा बयान दे दिया तो इसका असर बांग्लादेश में भी देखने को मिला। योगी के बयान के बाद बांग्लादेश में लाखों हिंदुओं का जन सैलाब सड़कों पर उतर आया और कट्टरपंथियों को जवाब देना शुरू कर दिया। ये रैली बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ निकाली जा रही है, जिसमें खुद हिंदुओं ने उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा जो उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आपको याद होगा फिलिस्तीन के मुद्दे पर दरियादिली दिखाने वाले कांग्रेस और ओवैसी कैसे मुसलमानों का हमदर्द बनकर जमकर इसराइल को गालियां निकाल रहे थे। अब जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं तब इन लोगों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। लेकिन यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ मौका परस राजनीति करने वालों उसमें से नहीं है। योगी ने अब कमान संभाल ली है और हिंदुओं के लिए बुलंद आवाज उठाई है। वोट बैंक भी, जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितेशी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा, वह हिंदू है। ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है, उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वो हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी तरह दाम पर प्रबल होंगी,
उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। योगी की इस ललकार का बांग्लादेशी हिंदुओं पर ऐसा असर हुआ कि सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये हुजूम न सिर्फ बांग्लादेशी कट्टरपंथी बल्कि दुनिया भर में हिंदुओं के कत्लेआम पर सियासत करने वालों को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि बंद करो ये अत्याचार और अब और अत्याचार नहीं सहेंगे। इन हिंदुओं ने यह ठान लिया है कि अब बांग्लादेश में ही रहेंगे और कट्टरपंथियों का दिमाग भी ठिकाने लगाकर ही दम लेंगे। इस खबर के बारे में क्या आपकी राय है, क्या कह रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।